जबलपुर संभाग के सबसे बड़े लेडी एल्गिन हॉस्पिटल में अब प्रसूता और उनके नवजात बच्चे अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे, बल्कि इसकी वजह है कि इन दिनों लेडी एल्गिन अस्पताल में एक बिल्ली का आतंक जोरों पर है। आतंक इतना है कि अभी तक इस बुखार बिल्ली ने दो नवजात बच्चों को पंजा मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया है। अस्पताल प्रबंधन अब बिल्ली को पकड़ने के लिए नगर निगम और वन विभाग से मदद मांग रहा है। बिल्ली के हमले से खौफ में परिजन महिलाओं के प्रसव और नवजात बच्चों की देखरेख को लेकर संभाग का सबसे बड़ा लेडी एल्गिन अस्पताल में अब सुरक्षा को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बिल्ली का इस तरह से मासूम पर हमला करने को लेकर भर्ती मरीज और उनके परिजन खौफ में हैं। परिजनों का कहना है कि लेडी एल्गिन अस्पताल की सुरक्षा भगवान भरोसे हो गई है, यही वजह है कि अब यहाँ पर इलाज करवाने से डर लग रहा है। लेडी एल्गिन अस्पताल में बेखौफ होकर घूम रही खूंखार बिल्ली ने पहले हमले की घटना को 5 नवंबर को अंजाम दिया, जब बच्ची की मां उसे दूध पिला रही थी। उसी दौरान बिल्ली ने कटोरी पर हमला कर दिया और बच्ची के चेहरे पर पंजा मारकर वहां से भाग खड़ी हुई। वही दूसरी घटना आज सुबह 20 नवंबर की है, जब एक बच्ची पलंग पर सोई थी, उसकी मां उसके पास थी। उसी दौरान खूंखार बिल्ली ने बच्ची के पास आकर उसकी आंख पर हमला कर दिया और वहां से भाग गई। अभी दोनों बच्चियों को SNCU में भर्ती किया है, जहां उनकी हालत स्थिर बनी हुई है। लेडी एल्गिन अस्पताल प्रबंधन का अब बेखौफ होकर अस्पताल में घूम रही खूंखार बिल्ली को पकड़ने के लिए वन विभाग और नगर निगम की मदद लेगा। लेडी एल्गिन अस्पताल प्रबंधन की माने तो निश्चित रूप से बिल्ली के लगातार हमले की यह घटना चिंताजनक है, लिहाजा इसको देखते हुए अब वन विभाग और नगर निगम की मदद ली जा रही है। कोशिश यह भी की जा रही है कि जल्द से जल्द खूंखार बिल्ली को पकड़ा जाए। इधर घायल हुई बच्ची के पिता आशीष प्रजापति ने लेडी एल्गिन अस्पताल प्रबंधन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। बच्ची के पिता का कहना है कि यहाँ पर मरीजों का इलाज भगवान भरोसे होता है, इतना ही नहीं सुरक्षा व्यवस्था की भी यहाँ पर कोई इंतजाम नहीं किए गए हैं। यही कारण है कि बेखौफ होकर घूम रही खूंखार बिल्ली ने एक नहीं दो दो बच्चियों को घायल कर दिया। बच्ची के पिता ने प्रशासन से लेडी एल्गिन अस्पताल प्रबंधन के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग की है। नर्सरी वार्ड में आकर मैंने डॉक्टर से पूछा, डॉक्टर नहीं मिले। गार्ड ने बताया कि दूध तो नहीं मिलेगा, डॉक्टर नहीं मिलेंगे, आप दूध वहाँ से दूध का डब्बा ले आइए। दूध का डब्बा जब मैं लेकर आया तो दूध का डब्बा देकर मैं 3:30 बजे यहाँ से निकला, 3 बजे सर 3 बजे करीब निकला। जब मैं यहाँ से निकला तो मैंने देखा एक डॉक्टर नर्स ऊपर वार्ड में 5 नंबर वार्ड में कुछ चिकन मीट या फिर मछली जो भी है उसका सेवन कर रही थी। मैंने उनको देख के फिर मैं वापस आया, मैं घर पर आया 5:30 बजे मुझे खबर आई कि मेरे बच्चे को बिल्ली के बच्चे ने नाखून मारा, जो गंभीर चोट आने के बाद मैंने लगातार यहाँ के नर्सरी वार्ड में संपर्क किया, डॉक्टर को बताया। डॉक्टर ने मात्र औपचारिकता करते हुए यहाँ पे उनको रुई से साफ करके, ब्लड साफ करके ऊपर रेफर कर दिया कि आप रखिए, 9 बजे तक विक्टोरिया खुलेगा, 9 बजे तक देखा जाएगा। पर्सनल उस पर भाई कोई कुछ भी खाएगा, वो तो अपना खाना लेके आया, रात में ड्यूटी करने आया तो खाना खाएगा। लेकिन जहाँ तक जैसे बच्चों को पंजे मारने का सवाल है, तो रात में जब हम राउंड लेते हैं तो मरीज के परिजन जो है बच्चे को माँ के पास ना लिटा के पलंग पे, वो नीचे लेटते हैं और अपने पास में लिटा लेते हैं। बिल्ली घूमती जाती है, मरीज के साथ वाले तो सो जाते हैं और वो बच्चा, अब देखिएगा छोटा बच्चा हो सकता है पंजे मार भी हो। नहीं तो ये बैठ पे क्यों नहीं सोते, क्या बैठ की कमी है क्या एल्गिन में, क्या आपको ये सब मालूम ही है ये चीज़? तो बच्ची नीचे सोएंगी ना, बच्चा माँ के पास लेटाना चाहिए ना, जिस पलंग पे माँ है हम लोग बोलते हैं, बच्चे को माँ के पास वैसे भी रखना होता है। सुबह 5 बजे की घटना है, 9 बजे तक कोई डॉक्टर उनको अटेंड करने नहीं। ये मुझे भी जानकारी मिली थी कि दिवाली के दूसरे दिन भी किसी बच्चे को बिल्ली ने पंजा मारा है, या बिल्लियों का प्रकोप एल्गिन अस्पताल में पूर्व में भी रहा है, जिसके लिए चिकित्सालय प्रबंधन के द्वारा अन्य विभागों से मदद लेकर बिल्लियों को पकड़कर उस परिसर से दूर कर दिया गया था। मगर चूँकि पुनः बिल्लियाँ आ रही हैं, मेरी अभी अधीक्षक एल्गिन अस्पताल से बात हुई है, तत्संबंध मैंने उनको निर्देशित किया कि अन्य विभागों से समन्वय बना के अगर आवारा पशु हैं, बिल्ली हैं, तो इनको दूर कराने की व्यवस्था करेंगे। पोस्टर न्यूज़ के लिए जबलपुर से रोहित नायर की रिपोर्ट।